गणतंत्र के 70वीं सालगिरह जनपद भर में धूमधाम से मनाई गई। जिला मुख्यालय पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर डीएम ने जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अधीनस्थों को कर्तव्य प्रायणता के साथ ही सत्यनिष्ठा के साथ नवभारत निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया। जैसे ही जिलाधिकारी ने तिरंगा फहराया, समूचा कलेक्ट्रेट परिसर राष्ट्रगान की धुन से गूंज उठा। उसके बाद जिलाधिकारी ने सभी अधीनस्थों को संविधान की शपथ दिलाई। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर सेनानियों का माल्यार्पण करने के साथ ही उनको शॉल भेंट कर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाइयां भी दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे आगरा के समस्त नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह हमें अपने संविधान हमें मिला है और हमें जो पालन करने की इसकी अपेक्षा है, हम सब उसका पालन करेंगे। जिला मुख्यालय पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर समा बांध दिया। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और 26 जनवरी सन 1950 को उसे लागू किया था। तब से लेकर हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मजबूत भी। इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे संविधान का। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तभी से हम गणतंत्र हो गए थे। आज हम अपने गणतंत्र की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। इन 70 सालों में भारत ने सामरिक, आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर फतेह हासिल की है और दुनिया में एक अपनी धाक जमाई है। जिला मुख्यालय से अपने साथी इंद्रजीत के साथ विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।